हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब हम लोग रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेवन फॉर क्लास सेवन ऑफ जोग्राफ़ी तो हम लोग आए थे टॉपिक पे कम्युनिकेशन अभी तक हम रीड कर चुके हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में ट्रांसपोर्ट क्या होता है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं एयरवेज़ वाटरवेज़ रोडवेज़ इन तीनों मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी तक हम हमने पढ़ लिया है अब हम आए हैं कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन होता क्या है लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ़ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिससे हम दूसरों को मैसेजेस देते हैं तो ये डेफिनेशन आपको आ सकती है कि कम्युनिकेशन क्या होता है तो आप बोलेंगे कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ़ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स दूसरों को अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका है कम्युनिकेशन जिसके ज़रिए हम अपने मैसेजेस अपनी बात जो है दूसरों को समझा सकते हैं विद डेवलपमेंट ऑफ़ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फ़ास्ट मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई जैसे जैसे ह्यूमन uh, ने डेवलपमेंट की और नए से नए फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस हुए नए से नए डिवाइस इंट्रोड्यूस किए कम्युनिकेशन के लिए द फिगर सेवन पॉइंट टेन एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड जब कम्युनिकेशन के साधन बढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी लोग अपनी नॉलेज जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे तो ऐसा ही हुआ डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आई यूज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज़ वेल एज़ टू एंटरटेन तो हमें एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारे साधन मिल गए हैं कम्युनिकेशन के बढ़ने से और हमें नॉलेज के भी बहुत सारे साधन एजुकेशन के भी बहुत सारे साधन हैं हमारे पास uh, एक फील्ड में हम कितनी ही चाहे नॉलेज आप गेन कर सकते हैं बिकॉज़ हमारे पास क्या है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू न्यूज़ पेपर्स रेडियो टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल ये कुछ एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिनके ज़रिए हम बहुत सारे नंबर ऑफ़ पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हैं कौन कौन से हैं न्यूज़पेपर रेडियोस एंड टेलीविजन्स दे आर देयर फोर द मास मीडिया ऐसे साधन जिनसे हम लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं मास मीडिया आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ मास मीडिया तो आप लिखेंगे न्यूज़ पेपर थ्रू न्यूज़ पेपर रेडियो टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल और दीज टाइप ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कार्ड मास मीडिया तो जिनके ज़रिए हम बहुत सारी जनसंख्या से बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं एक ही समय में तो उसको कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उसके बाद है द सेटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर और हम अपना संदेश कैसे यहाँ पर बैठे हुए विदेशों तक फैला सकते हैं क्योंकि सेटेलाइट्स जो है उसको ब्रॉडकास्ट करता है आगे फैलाता है तो सैटेलाइट्स जो है बहुत हेल्प करता है कम्युनिकेशन में और कम्युनिकेशन के और कम्युनिकेशन uh, को और फास्ट बनाने में अंडरग्राउंड वाटर मिनरल वेल्थ वेदर फोरकास्ट एंड डिज़ास्टर वार्निंग जितनी भी हमारी uh, जो है वेदर से रिलेटेड क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी फोरकास्टिंग होती है जितनी भविष्यवाणियाँ होती हैं मौसम को लेकर वो सभी जो है सेटेलाइट के ज़रिए की जाती हैं या कोई डिज़ास्टर आने वाला है कोई तूफान आने वाला है फ्लड रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने वाला है इस तरह की जो फॉरकास्टिंग होती है जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो थ्रू सेटेलाइट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह वो न्यूज़ ट्रेवल करती है नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड ही मेल्स थ्रू इंटरनेट अब आपको मालूम है थ्रू इंटरनेट हम मैसेजेस सेकेंड्स में पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू the cellular फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर today और आजकल हमारे पास वायरलेस यानी हमारे पास मोबाइल्स हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जिसमें हमें वायर की ज़रूरत ही नहीं है विदाउट वायर है वो वायरलेस हैं इंटरनेट नोट ओनली प्रोवाइड अस वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंट्रैक्शन बट आल्सो मेड आर लाइज मोर कम्फर्टेबल तो इंटरनेट ने दुनिया को और कॉम्पैक्ट बना दिया है और छोटा बना दिया है क्योंकि हम घर बैठे ही देश दुनिया की खबरें रख सकते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं अगर हमें कोई भी विदेशी प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसको घर बैठे ही मंगवा सकते हैं थ्रू इंटरनेट नाउ वी कैन रिजर्व टिकट फॉर रेलवेज एयरवेज इवन सिनेमाज एंड होटल सिटिंग एट होम तो आपको मालूम है कि हम घर बैठे ही हमें रेलवे स्टेशन पर टिकट ले, लेने जाने की ज़रूरत नहीं है हम घर बैठे ही अपनी एयरलाइंस की टिकट टिकट बुक करा सकते हैं रेलवेज़ की टिकट बुक करा सकते हैं चाहे तो हम सिनेमा की टिकट बुक करा करवा सकते हैं घर बैठे ही और जो भी चाहे जो हमारा मन हो आ, कोई शॉपिंग करने का या कोई ऑर्डर देने का आ, या फिर अपना ऑनलाइन कोई काम ही हो तो हम वो सब जो है थ्रू इंटरनेट कर सकते हैं घर से ही तो ये सब पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज़्यादा डेवलप हुए हैं तो ये था आपका चैप्टर नंबर सेवन और उसके बाद जो है आपका आ, बैक एक्सरसाइज है आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम ज़रूर करेंगे सॉल्यूशन आपको दे देंगे होपफुली आपने ये चैप्टर ध्यान से समझा होगा और जो भी मैंने कन्वे किया इस चैप्टर में आपको वो समझ आया होगा थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी